से ही धर्म होता है। धारणा धर्म विद्या, जिसको धारण किया जा सके उसी का नाम धर्म। और प्रजा, समस्त प्रजा धर्म के उन सारे जीवन मूल्यों को धारण करेगी तो प्रजा की भी धारणा, प्रजा का भी स्थायित्व, प्रजा का भी सनातनत्व और प्रजा का स्थिरत्व, ये सब कुछ धर्म के धारण के साथ बना रहता है। धर्म का धर्मचित जब व्यक्ति हो जाता है उस समय उसका पतन प्रारंभ हो जाता है, और पतन प्रारंभ होने के बाद वो धीरे धीरे ऐसे खड्डे में चला जाता है जहां उसको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, अंधकार में जीवन हो जाता है। और इसलिए जिस देश को विश्वगुरु के रूप में दुनिया में प्रतिष्ठापित किया गया हो, उस देश की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापना करने का जो श्रेष्ठ प्रयास आप सब बंधु कर रहे हैं, मैं धर्म के 10 लक्षणों को आपके सामने बताना चाहता हूं। धृतिक क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति, धैर्य, आदमी में धैर्य नहीं होगा तो कुछ भी संभव, धैर्य होना चाहिए। और क्षमा, अपराधी को भी क्षमा करने का सामर्थ्य, ये हमारा धर्म सिखाता है। दमा, दमन का मतलब होता है अपनी इंद्रियों का दमन करना, ये भी हमारा धर्म। जब इंद्रियां उच्छृंखल हो जाती हैं तभी धर्म के नाश का एक मार्ग खुलता है। इसलिए दम का मतलब है दमन करना, अपनी इंद्रियों को संयमित रखना, धर्म के अनुसार इंद्रियों का उपयोग हो, इसके लिए धर्म दम दम कहते हैं। स्तेयम, स्ते कहते हैं अचौर्य को, किसी की चोरी नहीं करें, ये भी धर्म का लक्षण। और शौचम, शौच कहते हैं पवित्रता, शरीर से भी पवित्र, मन से भी पवित्र और हृदय से भी पवित्र, ये धर्म का एक लक्षण है। और इंद्रिय निग्रह, अपनी प्रत्येक इंद्रियों का निग्रह करना। धीर विद्या, धी कहते हैं बुद्धि, धीर विद्या, विद्या का मतलब आप प्रत्येक चीज का ज्ञान हमको होना चाहिए। सत्यम क्रोधा, जीवन में सत्य को अपना लेना चाहिए, अक्रोधो व्यर्थ में क्रोध नहीं करना चाहिए। ये दशकम धर्म लक्षण, ये भारतीय सनातन धर्म के जो 10 लक्षण है, इस 10 लक्षण के भीतर जैन संप्रदाय के भी मूल्य प्रतिष्ठापित हो गए। इस दशकम धर्म लक्षण में बौद्ध संप्रदाय के भी सारे मूल्य प्रतिष्ठापित हो गए। इस दशकम धर्म लक्षण में सनातन धर्म के समस्त जीवन मूल्य समाहित हो गए। इसलिए हमारे यहाँ धर्म का अर्थ होता है जीवन मूल्यों की रक्षा करना। धर्मो रक्षति रक्षिता, ये हमारे यहाँ सिद्धांत है। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, यदि आप धर्म का विनाश करेंगे तो धर्म भी आपको नष्ट कर देगा। इसलिए इतने उदाहरण पुराणों में वर्णन है कि सत्य धर्म का पालन हरिश्चंद्र ने किया, अनेक कष्ट सहे सत्य धर्म के पालन करने के, किंतु अंत में हरिश्चंद्र का यश जो है पूरे संसार में आज सूर्य के समान प्रकाशित हुआ है। इसीलिए हमारे प्रत्येक धर्म के जो लक्षण हैं, उन लक्षणों को महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने अपनाया और अपना जीवन धर्ममय व्यतीत करके, और अपना लोक और परलोक, धर्म का मतलब होता है कि आपकी लौकिक इच्छा और आपकी परलौकिक इच्छा, दोनों
धर्म के पालन करने से आपकी लौकिक कामनाएं भी पूरी होती हैं और धर्म के पालन करने से आपकी पारलौकिक कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है कि आदमी को ऐसा चलना चाहिए कि नित्य नैमित्य कई रहे वो गुरुवारों दुरी तक क्षयम। हम लोगों से रोज पाप होता है, कुछ न कुछ अपराध हो जाता है, उस दुरित को उस पाप को रोज का रोज धो देना चाहिए। आज हमसे पाप हो गया, उसको प्रायश्चित रूप से ग्लानि के माध्यम से भगवान नाम के माध्यम से उस पाप को धो दो, है ना। नित्य नैमित्य कही रही वह गुरुवाणो दुरित क्षयम, ये भारत की परंपरा है। दुरित माने होता है ऐसा अदृष्ट जो हमारे को महान दुख देने वाला, वो दुरित बने ही नहीं, ऐसा अदृष्ट ऐसा दुर्भाग्य हमारे जीवन में आए ही नहीं इससे हमारे को दुख भोगना पड़े। इसलिए प्रत्येक दिन मंथन करना चाहिए, आज मैंने किसी को कटुवाणी बोल करके किसी को ठेस तो नहीं पहुंचाई, आज मैंने कोई पाप तो नहीं किया, यदि किया है तो उसका चिंतन मंथन करके उसका उसका प्रायश्चित करो, पाए प्रायश्चित करके उस पाप को धो डालो और धो करके और फिर एक नया जीवन प्रारंभ करो। ऐसा जीवन भारतवर्ष का था है, ऐसे ऋषियों ने इस धर्म की प्रतिष्ठापना की। हम सब लोग इन्हीं मूल्यों के आधार पर आज भारतवर्ष को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। इसलिए धर्म का अर्थ ही होता है धारण करना, धरती धर्मा, जिसको धारण किया जा सके उसी का नाम धर्म है। सत्य को धारण करो, अस्तेय को धारण करो, संयम को धारण करो, इंद्रिय के निग्रह को धारण करो और इन अपनी प्रतिभा को प्रत्येक दिन बढ़ाओ, अपनी विद्या को प्रत्येक दिन बढ़ाओ। ये सब मूल ऐसे चीज हैं जिनको हम कोई भी व्यक्ति इनको सांप्रदायिक कह ही नहीं सकते। भारत के जो धर्म के भारतीय धर्म के सनातन धर्म के जो 10 लक्षण हैं, इनमें किसी को भी आप सांप्रदायिक शब्द से आप दूषित नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो प्रत्येक व्यक्ति की ऊंचे उठने की मूल्य है। इसलिए भारत का सनातन धर्म बहुत अत्यंत मूल्यवान धर्म है, इसकी प्रतिष्ठापना करना। हाँ, आज के बच्चे को प्राचीन ढंग से समझाने से उनके दिमाग में नहीं बैठता है, और इसलिए धर्म का विज्ञान क्या है क्या नहीं है ऐसा भी लोगों ने बहुत से चिंतकों ने लिखा है। इसलिए धर्म के विज्ञान को भी बच्चों में प्रतिष्ठापित करके उन बच्चों को पुनः धर्म की मार्ग पर आरूढ़ कर सके। जिस तरह से आज दुनिया के छोटे छोटे धर्म में लोग इतने कट्टर हो गए और वो कट्टरता इतनी असह्य हो गई है कि आज समाज दिग्भ्रमित हो रहा है कि धर्म भी कहीं ऐसा करना सिखाता है क्या। अहिंसा परमो धर्म वेद में लिखा है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, और जो धर्म हिंसा करना सिखाए उसको धर्म कहने का हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए, वो धर्म की परिधि में आता ही नहीं। इसलिए हमारा धर्म अत्यंत ऊंचा उदात्त है, परंतु इसके साथ साथ अपना धर्म ये नहीं कहता कि आप केवल जूते ही सहते रहो, ऐसा नहीं। भगवान राम के बारे में वाल्मीकि जी ने लिखा है कि जब धर्म की इतनी ज्यादा वृद्धि हो जाती है तब भगवान कैसा क्रोध करते हैं, उसके बारे में लिखा है कालाग्नि सरसो क्रोधा, भगवान कालाग्नि के समान क्रोध करते हैं, किंतु क्षमा की दृष्टि में जैसे पृथ्वी सहन करने में उफ नहीं करती, वैसे तरह से जहां तक बनता है वहां तक सहन करते हैं, किंतु कोई अधर्म की अत्यंत ऊंचाई तक पहुंच जाए और उसका कोई प्रतिरोध नहीं करे तब तो अधर्म का ही साम्राज्य हो जाएगा। इसलिए अधर्म का साम्राज्य नहीं हो, धर्म की साम्राज्य हो, इसलिए सब मूल्यों की आवश्यकता है। आप सब बंधु इस श्रेष्ठ को